आज हम बात करेंगे थीम फाइल्स एडिटर की। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थीम फाइल्स एडिटर की, जो कि अपीयरेंस के अंदर एक ऑप्शन है जिसको यूज करते हुए आप पूरे वर्डप्रेस का जो थीम है उसके अंदर कोई भी कोड को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर कोड में एडिशन या डिलीशन कर सकते हैं। अगर आप एक डेवलपर हैं और आपको अच्छी हाउ नाउ है कोडिंग के रिलेवेंट, पीएचपी के रिलेवेंट, तो तब आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको ये ऑप्शन रिकमेंड नहीं करूँगा। आप कोई एक कोड वगैरह गलत कर दोगे जिसकी वजह से आपका पूरा वेबसाइट ख़राब हो सकता है। तो चले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, हम ऑप्शन पर आते हैं और थीम फाइल एडिटर के ऊपर आते हैं। थीम फाइल एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे देखिए, हमारे पास पूरे थीम की फाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं और जो भी कोड के अंदर हमने चेंजेस करनी है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं थीम हेडर के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ उसके कोड के अंदर, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास थीम हेडर का कंप्लीट कोड मौजूद है और उसके अंदर हम जो दिल चाहे चेंज कर सकते हैं। अगर हम एक डिवेलपर हैं और हमें अच्छा हाउ नाउ है कोडिंग से रिलेवेंट, तो तब मैं इन ऑप्शंस को रिकमेंड करूँगा कि आप इनके अंदर मज़ीद इनको ऐड करके, डिलीट करके मज़ीद अपने थीम की या वर्डप्रेस वेबसाइट की फंक्शनैलिटी इन्हेंस कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि थीम फाइल एडिटर क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।